हाउस के बाहर नए मुल्हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो 12 करोड़ के करीब हैं और एक अंदाजे के मुताबिक जो शायद उसके कुछ माहिरीन का कहना है कि 3 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। जिंदगी के हर शोबे में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों में हम तरक्याती स्कीम शुरू कर रहे हैं। हम मईशत को हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हम समझते हैं कि आप देखेंगे कि आइंदा एक साल में पाकिस्तान का एक तारीखी रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तान में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, गैर मुल्की भी शामिल हैं, उसके नतीजे में ज़बरदस्त तरीके से रोज़गार जो है वो लोगों को मिलेगा। हम लाखों अफराद को हम ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल करके एक अपने लिए नौकरी का और की सहूलत पैदा कर सकें। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये पहला साल तो शायद मुश्किल होगा हमारे अवाम के लिए, मगर दूसरे साल से आप देखेंगे कि इस मुल्क की तरक्की और इस अवाम की खुशहाली जो है वो हर जगह होती हुई नज़र आएगी। और इंशाल्लाह ये मुल्क जो है तरक्की के वो मराहिल तय कर लेगा जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी सामने नज़र नहीं आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नए मुल्हक की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी